शाजापुर जिले के पुवाया थाना क्षेत्र में शादी समारोह में गई एक किशोरी का अर्धनग्न शव खेत में पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या है पूरी घटना, किस तरीके की? देखिए, ये थाना पुवाया क्षेत्र का मामला है। यहाँ मौके पर हम सभी लोग आ गए हैं। रात्रि में इस गांव में बारात आई हुई थी और बारात में ही ये लड़की और इनका पूरा परिवार गया हुआ था। उसके बाद से बता रहे हैं कि रात में 1 बजे जो है ये लोग समझे कि लड़की कहीं सो गई है, पर आज इसकी बॉडी सुबह 11:30 बजे करीब यहाँ देखी गई। उसके बाद ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस और हम सभी अधिकारीगण यहाँ पर आ गए हैं। पूरा घटनास्थल का निरीक्षण और आसपास की परिस्थितियों का निरीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई, पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। जो मृतका है उसके घर वालों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। विवेचना में जो भी तथ्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य जो पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया अभी तक निकल के क्या आया है? नहीं, प्रथम दृष्टया तो ये है कि जो संदिग्ध परिस्थितियों उसमें मृत्यु हुई है और इसलिए बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घर वालों से बात करके और अन्य लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, अगर कोई वीडियोग्राफी होगी वहाँ पर उसको भी देखेंगे। तमाम साक्ष्य इसमें हमारे पास मिलेंगे, उनको हम परीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे।